हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले ऑफ WWE 2K23। तो आज का फाइट होने वाला है टीम रोमन वर्सेस टीम जे उसो। तो इस बार का जो जे उसो है वो ओवरऑल 100 लेके आया, तो देखना होगा क्या टीम रोमन ओवरऑल 100 वाला जे उसो को हरा पाता है कि नहीं। मेरे को तो लगता है शायद काफ़ी तगड़ा और खतरनाक टफ फाइट देने वाला, दोनों ही टीम डोमिनेट करेगा। तो लेट्स सी, लेट्स बिगिन द मैच और देखते हैं कौन इस मैच को विन करता है। जब तक मैच चालू हो रहा है आप लोग फटाफट से इन वीडियो को लाइक मार दो, जब तक का चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप लोग इस तरह का मजेदार वीडियो मिस ना कर पाओ। और यहाँ पे काफी खतरनाक शुरुआत आते ही ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे गंतर को स्टार्ट करते ही F5 का ट्राई किया था, पर F5 रिवर्सल हो गया, पर गंतर का फिनिशर रिवर्सल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे गंतर ने अपना पहला फिनिशर भाई साहब आते ही लगा दिया। ब्रॉक लेसनर भी अच्छा बीस्ट मोड पे ट्राई किया था अपना फिनिशर मूव का, पर थोड़ा सा बेकार पड़ गया क्योंकि गंतर ने वहाँ पर सिचुएशन ही बदल दिया और रिवर्सल कर दिया। पर ब्रॉक लेसनर इतना जल्दी नहीं मानेगा, दूसरा ट्राई तो करना ही था और यहाँ पे दूसरा फिनिशर मूव। इस बार तो कोई भी नहीं रोक सकता रिवर्सल होने से, बचाने से। और यहाँ पे F5 सही जगह लगता है और यहाँ पे रोमन रिंग्स, भाई साहब क्या गुस्सा और पावर बनाया था जे उसो का। लगता है पुराना बदला निकालना है। रोमन रिंग्स और जे उसो फाइट ले रहा वहाँ पे और रोमन रिंग्स काफ़ी खतरनाक ही डैमेज देते हुए जे उसो को फिनिशर मूव फुल ऑन ट्राई करेगा। रिंग के पहाड़ी फाइट चल रहा है, जे उसो को शायद सुप्लेक्स पड़ रहा है। भाई साहब कैमरा एंगल थोड़ा सा इधर होता तो हम लोग को दिख जाता क्या हो रहा है। रोमन रिंग्स ऊपर दिख रहा है। तीसरा सुप्लेक्स लगता ही है, तीसरा सुप्लेक्स। भाई साहब गेम इधर फोकस होकर उधर फोकस चल रहा है क्योंकि भाई साहब रोमन रिंग्स ट्रैवल चल जे उसो को क्या ही डैमेज कर रहा है। पर कोई ना, गेम पे वापस आते हैं हम लोग। ब्रॉक लेसनर काफ़ी खतरनाक फॉर्म में खेल रहा है। ब्रॉक लेसनर के पास फिनिशर मूव भी है, एक गंतर के पास भी एक फिनिशर मूव आ चुका है, पर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर चुका है ब्रॉक लेसनर का। तो ब्रॉक एक F5 लगाते तो शायद गंतर एलिमिनेट होगा, पर लगाना चाहिए था ब्रॉक लेसनर को, पर काफ़ी खतरनाक ज़्यादा ही गुस्सा में। और ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे फ्रंट सुप्लेक्स चालू हो चुका है। ब्रॉक लेसनर पिन आउट का ट्राई करेगा पर कोई फ़ायदा नहीं, मेरे ख्याल से पिन आउट नहीं करना चाहिए ब्रॉक लेसनर को इस सिचुएशन में। अपना फिनिशर मूव का एडवांटेज तो लेना चाहिए और फिनिशर मूव से एडवांटेज से ही बात आया तो यहाँ पे फिनिशर मूव कैसे नहीं लगा। गंतर शायद एलिमिनेट होगा, पर ये क्या हुआ, F5 लग का मेरे को लगा तो गंतर एलिमिनेट होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कम था, पर गंतर ने तो गिव अप कर दिया भाई साहब, पिन आउट को भी तोड़ दिया मानना पड़ेगा। पर ब्रॉक लेसनर इतना जल्दी नहीं रुकेगा, पर रिवर्सल खाते हुए गंतर फिनिशर बस मत लगा देना, यही चीज़ का ज़्यादा ही दुखित समझदार था। और यहाँ पे फिनिशर गंतर ने भी अपना फिनिशर सही जगह पे लगा दिया है और यहाँ पे जे उसो रिंग के अंदर आते हुए और जे उसो का फिनिशर मूव भाई साहब ब्रॉक लेसनर को बहुत ही गलत टाइम पे लगा है क्योंकि गंतर ही अभी तुरंत काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डैमेज दे के गया है। और यहाँ पे वापस जे उसो आ गया तो फिनिशर मूव अगर एक और लगता है तो शायद ब्रॉक लेसनर इस चीज़ को सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। पर ब्रॉक लेसनर बीस्ट है तो रिवर्सल कर दिया, पर बीस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि जे उसो के पास इस सिचुएशन में फिनिशर है तो एडवांटेज ऑब्वियसली उसी के पास है, पर ब्रॉक लेसनर के सामने कोई भी एडवांटेज नहीं ले सकता। और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक वाला पावर बम के साथ पिन आउट ट्राई किया जाएगा, बस जे उसो इस सिचुएशन में एडवांटेज ना उठा ले अपना फिनिशर का, अगर उठाता है तो एंड हो गया। यहाँ पे फिनिशर ही का एडवांटेज था और जे उसो ने यहाँ पे स्ट्रैटेजी निकाल के यहाँ पे फिनिशर मूव लगा दी, यही चीज़ का स्ट्रैटेजी नहीं लगना था पर लग गया। पर यहाँ पे क्या ही हाई फ्लाइंग मूव, सीधा रोमन रिंग्स और गंतर ने टारगेट मिल चुका है। रोमन रिंग्स और गंतर को यहाँ पे जे उसो ने काफ़ी खतरनाक टारगेट कर दिया रोमन रिंग्स को। अब हो चुका है सिचुएशन 1v2 का और यहाँ पे क्या ही टॉन्ट एक्शन चल रहा है इन दोनों टीमों के बीच में। अब रोमन रिंग्स को सर्वाइवल करना पड़ेगा, पर अभी भी एडवांटेज है रोमन रिंग्स के पास क्योंकि उसके पास है फिनिशर मूव, तो फिनिशर मूव का बस इस्तेमाल कर दे तो एलिमिनेट कर सकता है कोई भी एक सुपरस्टार को। अगर एलिमिनेशन होता तो सिचुएशन 1v1 का हो जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है, अभी तो थोड़ा कम चांसेस में लग रहा है मैच विन करने का। पर रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ को तो आप लोगों को पता ही है किस फॉर्म में खेलता, अगर इसका गॉड मोड आ गया ऑन हो गया तो भाई साहब कोई भी आगे रहे ओपोनेंट तो एंड होना ही है होना ही। पर रोमन रिंग्स के पास अभी सिचुएशन में फिनिशर मूव भी है तो भाई साहब हम लोग रिस्क ले सकते हैं, रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ मैच विन करा सकता है। पर यहाँ पर मैच विन से पहले थोड़ा सा ये हम लोग को हार्ट बीट टेस्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रोमन रिंग्स को फिनिशर लगा दिया भाई साहब, क्या ही एलिमिनेशन हो जाता अभी। अब मेरा लगता बोलते ही एलिमिनेशन हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लगता है रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ के लिए। पर रोमन रिंग्स अपना स्पेयर
लग गया। और यहाँ पे क्या ही एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन का अपने को यही नहीं था कि ये एलिमिनेशन हो सकता भाई साहब, उम्मीद नहीं था। उम्मीद पे खरा उतरते हुए यहाँ पर रोमन शेवलचक और फिनिशर लगा के जीवसो को एलिमिनेट कर दिया। मैंने तो बोला ही था अगर एक 1v1 सिचुएशन आएगा तो गेम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है। और यहाँ पर फिनिशर मूव बस मत लग जाना, फिनिशर मूव भी लग गया यहाँ पर रोमन शेवलचक के साथ, थोड़ा सा बस स्पिन आउट दे दे भाई साहब, बच गया। क्या ही गेम था, क्या ही गेम था। ये फिनिशर मूव रोमन शेवलचक ही रिवर्स कर सकता, और कोई भी सुपरस्टार कोई सिचुएशन में फिनिशर लगता है ना तो रिवर्सल क्या, वो तो सीधा सीधी हार जाता, पिन आउट ही गिव अप कर देता। पर शेवलचक सामने है तो भाई साहब इसका ओवरऑल गेम तो बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया है, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो इसमें तो रिवर्सल होना ही था और बहुत ही एंड मूवमेंट पर रिवर्सल हुआ। टू काउंटडाउन, तीसरा काउंटडाउन जा ही रहा था रेफरी का, उसी समय पर पिन आउट को रिवर्सल किया है, मानना पड़ेगा ट्रैवल शिफ्ट ने क्या ही गेम एंड पॉइंट पे निकाला, नहीं तो इजीली टीम जे विन कर सकता था। और यहाँ पर हाई फ्लाइंग मूव इंप्लीमेंट होते ही बच गया, ये थोड़ा सा बढ़िया मूव था ट्रैवल शिफ्ट का, बस इसी मूवमेंट पे स्पेयर लग जाए, स्पेयर लग जाए बस इस मूवमेंट पे, बस यही चीज़ का ज़रूरत है। और स्पेयर का पात और स्पेयर का ट्राई भी हुआ, पर गंतर भाई साहब गंतर क्या ही खेल रहा है, यहाँ पर रिवर्सल कर दिया। गंतर का हेल्थ देख लो, ट्रैवल शेफ़ का हेल्थ देख लो भाई, मानना पड़ेगा रेफरी थोड़ा सा करते हुए, पर यहाँ पर रोप ब्रेक हो गया भाई साहब, क्या ही ट्राय सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया रोमन ट्रैवल शेफ़, मानना पड़ेगा। इसीलिए इसका टीम इतना लंबा क्वालिफाई करता हर सीरीज़ में, इसीलिए टीम रोमन को जो भी टीम लेता है तो इसीलिए सीरीज़ में क्वालिफाई करता है। पर रोमन ने इसके साथ भी एक ओपोनेंट आना चाहिए कि जो रोमन ने इसका टीम को टक्कर दे दे, अगर कोई टीम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यहाँ पर सुप्लेक्स जाएगा ट्रैवल शेफ़ का, और यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक ही मैच होते हुए, और मेरे को लगता है सीधा सुपरमैन पंच से गेम एंड किया जाएगा। क्लोज लाइन लगाया है गंतर ने, और यहाँ पे लगता है सुपरमैन पंच से गेम एंड हो गया या स्पेयर से, वो देखना होगा, सुपरमैन पंच या स्पेयर से एंड होगा। और यहाँ पे सीधा स्पेयर से गेम को एंड करते हुए, और इस मैच को काफ़ी ख़तरनाक ही तरीका से टीम रोमन विन करते हुए सीधा सीधी भाई साहब गेम पूरा पलट दिया था। जीवसो पे पूरा विन था, सभी को लग रहा होगा कि जीवसो विन करने वाला, पर यहाँ पे एंड मोमेंट पे क्या ही सिचुएशन पलटा है, कोई भी इस चीज़ का उम्मीद ही नहीं लगा सकता कि इस चीज़ में भी गेम पलट सकता है। तो यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक मार दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आप लोग इस तरह का मजेदार वीडियो इस तरह कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।